तीन प्रोटोटाइप फंक्शंस हैं, ग्लोबल एक्स है, मेन फंक्शन है, उसमें एक्स इक्वल टू 5 एक्स को प्रिंट किया, इनर स्कोप में एक्स इक्वल टू 7 एक्स को प्रिंट किया, आउटर स्कोप में फिर से प्रिंट किया, फिर यूज लोकल, यूज स्टैटिक, यूज ग्लोबल फंक्शंस को कॉल किए वन बाय वन, बाद में फिर से यूज लोकल, यूज स्टैटिक, यूज ग्लोबल फंक्शंस को वन बाय वन कॉल किए, और उसके बाद में जो लोकल एक्स है उसको प्रिंट कर दिया। यूज लोकल फंक्शन है वो इस बॉक्स में है जिसमें एक्स इक्वल टू 25 एक ऑटो वेरिएबल है, उसको प्रिंट किया, उसकी वैल्यू इंक्रीज की, प्रिंट कर दिया। यूज स्टैटिक है, उसमें एक्स इक्वल टू 50 एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर दिया, स्टैटिक एक्स है, उसको इंक्रीज किया और फिर प्रिंट कर दिया। और बात करें ग्लोबल की, तो ग्लोबल में एक्स को प्रिंट किया, देन एक्स की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर से एक्स को प्रिंट कर दिया। यहाँ पर हम जो एक्स इनर स्कोप वाला है इसको हम कहते हैं एन आइडेंटिफायर, स्कोप इज वेयर द आइडेंटिफायर कैन बी रेफर्ड इन ए प्रोग्राम। तो अब इस इनर स्कोप वाले एक्स का स्कोप क्या है, तो हम कहेंगे ये कर्ली ब्रैकेट्स स्टार्ट होता है और ये एंड होता है, इसके बीच में इसका स्कोप है, मतलब ये इतने ही इलाके में काम करेगा, इतना ही इसका प्रास है, इतना ही इसका स्कोप है। लिंकेज, तो एन आइडेंटिफायर लिंकेज डिटरमाइंस फॉर मल्टीपल सोर्स फाइल प्रोग्राम वेदर एन आइडेंटिफायर इज नोन ओनली इन द करंट सोर्स फाइल और इन एनी सोर्स फाइल विद प्रॉपर डिक्लेरेशन। तो ये जो ग्लोबल अक्ष है उसके लिए है कि इसका लिंकेज क्या है, तो कहीं भी यदि किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में अक्ष को यदि डिक्लेयर नहीं किया है, तो ये जो ग्लोबल अक्स है इसकी वैल्यू वहाँ पर ली जाएगी। तो इसका लिंकेज हर फंक्शन से है, हर फंक्शन से लिंक्ड है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वेरिएबल्स विद ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन आर क्रिएटेड व्हेन द ब्लॉक इन विच दे आर डिफाइंड इज एंटर्ड एग्जिस्ट व्हाइल द ब्लॉक इज एक्टिव एंड आर डिस्ट्रॉयड व्हेन द ब्लॉक इज एक्साइटेड। ए फंक्शंस लोकल वेरिएबल नॉर्मली हैव ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। तो अब ये जो वेरिएबल है ऑटो वेरिएबल है, इसका ड्यूरेशन भी ऑटोमेटिक होता है, मतलब इसको यहाँ डिक्लेयर किया तो इसको वैल्यू असाइन हो गई, ये वेरिएबल क्रिएट कर दिया गया है, लेकिन जो ये ब्लॉक ख़त्म होता है तो ये वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, इसका मीनिंग ख़त्म हो जाता है, वेरिएबल लॉस्ट हो जाता है। तो इसका जो ड्यूरेशन है उसको भी हम कहते हैं ऑटोमेटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। ग्लोबल वेरिएबल है, उसको एक ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड बाय प्लेसिंग वेरिएबल डेफिनेशन आउटसाइड एनी फंक्शन डेफिनेशन। ग्लोबल वेरिएबल्स रिटर्न देयर वैल्यूज थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। तो जो ग्लोबल वेरिएबल है उनको हम किसी भी फंक्शन के, जैसे यहाँ मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं किया, ये सब फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, और इन वेरिएबल्स का स्कोप प्रोग्राम जब तक एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक बना रहता है। आइडेंटिफायर कैन हैव फंक्शन स्कोप, फाइल स्कोप, ब्लॉक स्कोप और फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप। तो एक कोई भी आइडेंटिफायर है वो किस तरह के स्कोप रख सकता है, तो फंक्शन स्कोप रख सकता है, फाइल स्कोप रख सकता है, ब्लॉक स्कोप रख सकता है और फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप रख सकता है, इनको भी हम देखेंगे। एन आइडेंटिफायर डिक्लेयर्ड आउटसाइड एनी फंक्शन हैज फाइल स्कोप। तो फाइल स्कोप क्या होता है, जो भी ग्लोबल वेरिएबल है उसका स्कोप होता है उसको हम फाइल स्कोप कहते हैं, जो किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया जाता है, सारे फंक्शंस के बाहर डिक्लेयर किया जाता है उसको हम फाइल स्कोप कहते हैं। सच एन आइडेंटिफायर इज नॉन इन ऑल फंक्शंस फ्रॉम द पॉइंट एट विच इट इज डिक्लेयर्ड अंटिल द एंड ऑफ द फाइल। इसको जहाँ डिक्लेयर कर दिया गया उसके बाद में जो भी फंक्शंस आएंगे, यदि ऊपर कर दिया तो मेन फंक्शन, मेन के नीचे किया जाता तो आगे वाले फंक्शंस के लिए, उन सब के लिए ये नॉन होता है, वो सब इस वेरिएबल को जानते हैं, वो सारे फंक्शन जानते हैं। और इसका एंड कब होता है, जब पूरी फाइल एग्जीक्यूट हो जाती है, तो जब से डिक्लेयर किया वहाँ से लेकर फाइल पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने तक ये डिक्लेयर्ड रहता है।
identify defines inside a block have block scope. Block scope ends at the terminating right braces of the block. जो जो भी वेरिएबल या आइडेंटिफायर किसी ब्लॉक में डिफाइंड हैं, डिक्लेयर्ड हैं, जैसे यहाँ ये int x इक्वल टू 7 है, तो ये इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, तो जो ये कर्ली ब्रेसेस ऑफ होंगे, राइट कर्ली ब्रेसेस इसको मिलेगा, वहाँ पर इसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। इस स्कोप को कहते हैं ब्लॉक स्कोप, मतलब इस ब्लॉक में ही ये वैलिड है। एनी ब्लॉक में कॉन्टेन वेरिएबल डेफिनेशंस व्हेन ब्लॉक आर नेस्टेड एंड एन आइडेंटिफायर इन एन आउटर ब्लॉक हैज द सेम नेम एज द एन आइडेंटिफायर इन द एन इनर ब्लॉक, आइडेंटिफायर इन द आउटर ब्लॉक इज हिडन अंटिल द इनर ब्लॉक टर्मिनेट्स। तो जैसे यहाँ पर एक आउटसाइड इंट एक्स इक्वल टू 5 हमने डिक्लेयर किया और फिर कर्ली ब्रेसेस में हमने फिर से इंट एक्स इक्वल टू 7 कर दिया, तो अब पुराने वाले एक्स का क्या होगा, जब क्योंकि ये इस ब्लॉक के अंदर है, ये कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होता है, इसका एंड नहीं हुआ है, अंदर वाले का एंड हो गया, लेकिन अंदर वाले के अंदर वो भी ओपन है और ये भी ओपन है, तो यहाँ पर कौन सा एक्स है, तो यहाँ पर जो इस एक्स को डिक्लेयर किया जाता है वो पुराने वाला हिडन हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता, वो हिडन हो जाता है, छुप जाता है, और जब तक इस अंदर वाले एक्स का स्कोप रहता है तब तक वो हिडन रहेगा, मतलब इस कर्ली ब्रेसेस तक वो हिडन रहेगा, इसके बाद में वो वापस से एक्टिव हो जाता है। लोकल वेरिएबल्स डिफाइंड एट द बिगनिंग ऑफ द फंक्शन हैव ब्लॉक स्कोप एज डू फंक्शन पैरामीटर्स विच आर कंसिडर्ड लोकल वेरिएबल्स बाय द फंक्शन। जो भी वेरिएबल कोई फंक्शन है उसके अंदर कोई लोकल वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, जैसे यहाँ पर int x इक्वल टू 25 किया है, तो ये भी ब्लॉक स्कोप में ही आता है। और इस तरह के जो फंक्शंस हैं एज डू फंक्शन पैरामीटर्स विच आर कंसिडर्ड लोकल वेरिएबल बाय द फंक्शन, ये फंक्शंस के लोकल वेरिएबल हैं। कीवर्ड एक्सटर्न एंड स्टैटिक आर यूज टू डिक्लेयर इन आइडेंटिफायर फॉर वेरिएबल्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन। तो एक्सटर्न मतलब ग्लोबल जो भी है वो और स्टैटिक है, उनको हम इस तरह के आइडेंटिफायर्स जो हैं वो हम यूज आइडेंटिफायर जब डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल नेम्स वेरिएबल्स के डिक्लेयर करते हैं तो उनसे पहले एक्सटर्न या स्टैटिक यूज करते हैं, तो स्टैटिक स्टोरेज क्लास के लिए होता है, मतलब वहाँ पर उस जो भी वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं उस वेरिएबल को वो एक लॉन्ग स्कोप के लिए होती है जब तक कि पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता प्रोग्राम। स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन वेरिएबल्स आर अलोकेटेड एंड इनिशियलाइज्ड वंस बिफोर द प्रोग्राम बिगन्स एग्जीक्यूशन। ये जो स्टैटिक वेरिएबल है इसका एक ही बार ही डिक्लेरेशन होगा, उसके बाद में यदि इस फंक्शन को भी यदि बार बार कॉल किया जाता है तो इसका डिक्लेरेशन बार बार नहीं होगा और इसकी जो पुरानी वैल्यू है उसको ये रिटेन करता है, तो इसको एक बार लोकेशन एलोकेट मतलब मेमोरी स्पेस में जगह एलोकेट हो जाती है और वहाँ पर इसको इनिशियल वैल्यू मिल जाती है, उसके बाद में हमने यदि वैल्यू चेंज कर दी उस जगह पर तो वो चेंज वैल्यू इसकी हो जाती है। लोकल स्टैटिक वेरिएबल्स रिटर्न देयर वैल्यू बिटवीन कॉल्स टू फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। अब जैसे यहाँ पर ये यूज स्टैटिक फंक्शन है, इसके अंदर हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो इस स्टैटिक एक्स की वैल्यू इस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू तब भी काम आएगी जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। इस फंक्शन को यदि दूसरी बार कॉल किया जाता है तो वैल्यू दोबारा काम आ जाएगी, इस फंक्शन को 10 बार कॉल किया जाता है तो इसकी वो वैल्यू 10 बार काम आ जाएगी, जो एक बार वैल्यूज में चेंज हो गए वो दोबारा कॉल में वो पुरानी वैल्यू ले लेगा, जो लास्ट चेंज हो की थी वही वैल्यू ले लेगा, लेकिन इस फंक्शन के बाहर इसको कोई नहीं जानता। ऑल न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन आर इनिशियलाइज्ड टू 0 इफ यू डू नॉट एक्सप्लिसिटली इनिशियलाइज देम। यदि हम यहाँ पर x इक्वल टू 15 नहीं लिखते तो इसको इनिशियल वैल्यू 0 मिल जाती है, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनमें इनिशियल वैल्यू 0 ऑटोमेटिकली मिल जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स व्हिच आर विद स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन, एक्सटर्नल आइडेंटिफायर्स सच एज ग्लोबल वेरिएबल एंड फंक्शन नेम्स
एंड लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर विद द स्टोरेज क्लास एज स्पेसिफायर स्टैटिक। तो अब जो स्टैटिक स्टोरेज ड्यूरेशन है उसमें हमने दो की बात की, एक स्टैटिक और दूसरा ग्लोबल। ग्लोबल जिसको हमने एक्सटर्नल आइडेंटिफायर भी कहा, तो एक्सटर्नल आइडेंटिफायर में जो फंक्शन नेम होते हैं वो भी एक्सटर्नल आइडेंटिफायर के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि फंक्शन नेम जो ग्लोबल फंक्शंस होते हैं वो भी सारे किसी भी फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए जाते हैं, तो वो एक्सटर्नल आइडेंटिफायर होते हैं। और स्टैटिक आइडेंटिफायर जो होंगे वो किसी फंक्शन के अंदर होंगे। लेबल्स आर द ओनली आइडेंटिफायर्स विद फंक्शन स्कोप। Labels can be used anywhere in the function in which they appear, but cannot be referenced outside the function body. Label जो C programming, जैसे हम switch case करते हैं तो case labeling का काम करता है, या हम कोई भी labeling करते हैं, label कोई भी मतलब कुछ लिख के आगे colon लगा देना, वो C programming label की तरह काम करता है। तो जो labels हैं वो फंक्शन में कहीं भी काम में ले जा सकते हैं, लेकिन उसका उनका स्कोप फंक्शन स्कोप होता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर उन लेबल्स को पहचाना जाता है। उस फंक्शन के अलावा किसी दूसरे फंक्शन की बात करें तो वो उस पुराने फंक्शन के लेबल्स को नहीं पहचानता। ओनली आइडेंटिफायर्स विद फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप आर दोज यूज इन द पैरामीटर लिस्ट ऑफ फंक्शन प्रोटोटाइप। आइडेंटिफायर्स यूज इन द फंक्शन प्रोटोटाइप कैन बी रीयूज एल्सवेयर इन द प्रोग्राम विदाउट एम्बिग्यूटी। जो प्रोटोटाइप फंक्शन होते हैं उनके अंदर जो वेरिएबल प्रोटोटाइप फंक्शन में जो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं पैरामीटर लिस्ट में, नॉर्मली तो प्रोटोटाइप में हम नहीं करते हैं, लेकिन यदि कर दिए हैं इंट एक्स इंट वाई इंट जेड लिख दिया पैरामीटर लिस्ट में कॉमा से सेपरेट करके, तो उनको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप स्कोप। और उनको कितनी बार डिक्लेयर कर लो, कहीं भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।